गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम्ड इन आरसी एजुकेशन हब। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस एंड दैट टॉपिक इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो है अपने स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, इससे पहले जो है अपन ने एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ईसोफेगस के बारे में बात कर ली, स्टमक के बारे में बात कर ली एंड दैट स्टमक इज जॉइंट विद द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द हेल्प ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर। By the help of pyloric sphincter, और pyloric sphincter की help से जो है small intestine से जुड़ता है। अब जो है अपन small intestine के बारे में देखने वाले हैं। Small intestine जो है almost 6 meter length होती है इसकी। Its length is almost 6 meter. That we are talking after death. Otherwise जो है इसकी length होती है लगभग 4 meter. This is after death. This is during life. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसकी लेंथ लगभग होती है 6 meter। इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 parts. नंबर वन इज ड्यूडेनम, नंबर सेकंड इज जेजुनम एंड नंबर थर्ड इज इलियम। ड्यूडेनम जो है सबसे पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, विच इज कनेक्ट टू द स्टमक, जो कि किससे जुड़ा हुआ होता है, स्टमक से जुड़ा हुआ होता है। ये किसी प्रकार से कोइल नहीं होता है, ये एक जे शेप स्ट्रक्चर होती है और इसकी जो लेंथ है लगभग होती है 25 सेंटीमीटर। ड्यूडेनम की जो लेंथ है लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड जेजुनम। जेजुनम जो है सेकंड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। दिस इज हाईली कोइल्ड, बहुत ज़्यादा कोइल्ड होता है ये, और इसकी जो है लेंथ लगभग होती है 2.5 meter। Its length is almost 2.5 meter and this is found between duodenum and last part ilium. इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि jejunum जो है एक तरीके से बीच वाला पार्ट होता है, बहुत ज़्यादा coiled होता है। इसके बाद में थर्ड बात करते हैं ilium. Ilium जो है बहुत ही ज़्यादा coiled structure होती है और इसकी जो है length होती है लगभग 2.5 meter. Its length is almost 2.5 meter and this is highly coiled and this is connected to the large intestine. ये सबसे last वाला part होता है और ये किससे connected होता है? Large intestine से connected होता है और large intestine से एक sphincter के थ्रू connected होता है। उस sphincter को बोलते हैं अपन ileocecal sphincter. उस sphincter को बोलते हैं ileocecal sphincter. ओके, इसके अंदर जो है इलियम के अंदर लैक्टल ग्लैंड पाई जाती हैं। इलियम के अंदर जो है लैक्टल ग्लैंड पाई जाती हैं और उन लैक्टल ग्लैंड का फंक्शन होता है टू स्टोरेज ऑफ लिपिड और फैट, जो कि फैट को स्टोर करने का काम करती हैं। दीज आर फाउंड इन इलियम। इसके अलावा बात करते हैं अपन जेजुनम की। जेजुनम बहुत ज़्यादा कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है और इसकी जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, इफ यू टॉक अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा जो है उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, लाइक दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर नोन एज विलस। उनको अपन क्या बोलते हैं? विलस। और मल्टीपल की बात करें तो विला है। फिर इनके ऊपर जो है अगेन छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। इन स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं माइक्रोविली। इनको अपन क्या बोलते हैं? माइक्रोविली। इन स्ट्रक्चर को अपन माइक्रोविली बोलते हैं। अब ये जो म्यूकोसा है इसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती है, वी कैन से डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं और उनका सिक्रेशन जो है अलग अलग होता है। इसके अंदर जो भी सेल्स पाई जाती हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। नंबर वन इज गॉबलेट सेल्स, नंबर सेकंड इज इंटेस्टाइनल सेल्स, एंड नंबर थर्ड इज पैन सेल्स। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है फोल्ड्स हैं, फोल्ड्स के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, गॉबलेट सेल्स, इंटेस्टाइनल सेल्स और पैन सेल्स। तो ये एक तरीके से सिक्रेशन करती हैं और दीज सेल्स आर कलेक्टिवली नोन एज
बर्नर ग्लैंड्स, दी सेल्स आर कलेक्टिवली नोन एज बर्नर ग्लैंड्स, और बर्नर ग्लैंड्स को जो है कलेक्टिवली अपन बोलते हैं क्रिप्टो लिबर्गुही, इनको जो अपन कलेक्टिवली बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबर्गुही। तो अब अपन देखते हैं कि इन सेल्स का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं गॉबलेट, गॉबलेट सेल का जो है मेन फंक्शन होता है सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, गॉबलेट सेल का जो है मेन फंक्शन होता है सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, और इसके अलावा इंटेस्टाइनल सेल का फंक्शन होता है सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोलाइट्स एंड वाटर, इंटेस्टाइनल सेल का फंक्शन होता है सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोलाइट्स एंड वाटर, गॉबलेट सेल का फंक्शन होता है सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, एंड थर्ड है दैट इज पैन सेल, पैन सेल का फंक्शन होता है सिक्रेशन ऑफ लाइसोजाइम, सिक्रेशन ऑफ लाइसोजाइम। इट्स ए बैक्टीरिया किलिंग एंजाइम, जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ये सारे के सारे सेल्स जो हैं आपस में सिक्रेशंस कर रही हैं, सिक्रेशंस करने की वजह से जो है इनको कलेक्टिवली बर्नर ग्लैंड्स बोलते हैं, और बर्नर ग्लैंड्स को जो है कलेक्टिवली अपन क्या बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्गुही। ओके, इसको क्या बोलते हैं अपन क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्गुही। इसका मतलब ये बर्नर ग्लैंड्स जो है किसके अंदर सिचुएटेड होती है, म्यूकोसा के अंदर, बर्नर ग्लैंड जो है म्यूकोसा के अंदर सिचुएटेड होती है। इसके अलावा म्यूकोसा के ऊपर जो है जो फोल्ड जैसी स्ट्रक्चर होती है उनको अपन विलाय बोलते हैं, विलाय के ऊपर अगेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है उनको अपन क्या बोलते हैं माइक्रोविलाय बोलते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसकी जो लेंथ होती है लगभग 6 मीटर होती है, 3 पार्ट से मिलकर कंसिस्ट होती है। फर्स्ट को ड्यूडेनम बोलते हैं, सेकंड को जेजुनम बोलते हैं, थर्ड को इलियम बोलते हैं। ड्यूडेनम जो है कोइल्ड रही होता है, इसकी लेंथ लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। जेजुनम जो है हाईली कोइल्ड होता है, इसकी लेंथ जो है लगभग 2.5 मीटर होती है। थर्ड इलियम, ये भी हाईली कोइल्ड होता है और इसकी लेंथ जो है लगभग 2.5 मीटर होती है इसकी भी। इसके अलावा जो है ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर इनफोल्ड्स पाए जा रहे हैं, इनफोल्ड्स को जो है अपन ने विलस या विलाय बोला है। उसके अंदर जो है अगेन छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स पाई जा रही हैं जिनको अपन ने माइक्रोविलाय बोला है। जो फोल्ड्स हैं, फोल्ड्स के अंदर जो है गॉबलेट सेल, इंडस्ट्रियल सेल्स और पैन सेल्स पाई जा रही हैं। इनका अलग अलग सिक्रेशन है, कलेक्टिवली दीज आर नोन एज बर्नर्स, बर्नर ग्लैंड्स, एंड बर्नर ग्लैंड्स आर कलेक्टिवली नोन एज क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्गुही। इस तरीके से जो है ये पूरी स्ट्रक्चर जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की है। इसकी बाद में जो है अपन बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इवन लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ओके,